स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरी इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रियंका चोपड़ा की स्पाई वेब सीरीज सिटाडेल जब से रिलीज हुई है तब से ही सुर्खियों में है। एक्शन से भरपूर सिटाडेल प्राइम वीडियोस पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है। निक जोनस ने भी पत्नी और सिटाडेल में उनके को स्टार्स की जमकर तारीफ की है। निक जोनस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में सिटाडेल का एक पोस्टर शेयर किया जिसमें प्रियंका अपने को स्टार्स के साथ दिख रही है। निक ने सबको कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, माई वाइफ इज अ बॉस। हाल ही में पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे ही एक आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिश पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहाँ के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। कंगना रनौत ने द केरला स्टोरी के मेकर्स को सपोर्ट किया है और उन लोगों की आलोचना की है जो फिल्म की रिलीज के खिलाफ हैं। कंगना ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन फिल्म को बैन करने की बहुत कोशिश की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। एक्ट्रेस को लगता है कि ये किसी को भी खराब रोशनी में नहीं बल्कि केवल ISIS को दिखा रही है। कंगना रनौत ने अपने बयान में आगे कहा कि अगर देश की सबसे जिम्मेदार संस्था हाईकोर्ट ये कह रही है तो वो सही कह रहे हैं। ISIS एक आतंकी संगठन है। समांथा और नागा चैतन्य की जोड़ी साउथ इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर स्टार जोड़ियों में से एक थी। सूत्रों के मुताबिक समांथा से 11 महीने अलग रहने के बाद नागा और शोभिता धुलिपाला एक नए रिश्ते में हैं, लेकिन समांथा के साथ अभी तक किसी का नाम नहीं जुड़ा है। इस दौरान समांथा के गले में अचानक मंगलसूत्र दिखा। समांथा के गले में मंगलसूत्र देखने के बाद लोगों के मन में आया कि एक्ट्रेस ने क्या शादी कर ली, जिसको लेकर चारों ओर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ये वायरल हो रही तस्वीर असल में असली नहीं है बल्कि पर्दे के लिए है। वो अगली बार विजय देवरकोंडा के साथ खुशी में दिखाई देंगी। एक हफ्ते पहले उस फिल्म के मेकर्स ने समांथा के बर्थडे पर ये तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे देख नेटिजंस के बीच सवाल उठने लगे थे। टॉलीवुड स्टार तेजा सज्जा और निर्देशक प्रशांत वर्मा की फिल्म हनुमान की रिलीज डेट में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। मेकर्स ने बताया है कि अभी इस फिल्म को और बेहतरीन बनाने के लिए वक्त चाहिए। ऐसे में जल्द ही नई रिलीज डेट का ऐलान होगा, इसलिए अब फैंस को इस फिल्म का और इंतजार करना पड़ेगा। इधर तेलुगु स्टार चिरंजीवी और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म भोला शंकर फ्लोर पर पहुंच गई है। इस फिल्म के शूटिंग सेट से एक्टर चिरंजीवी और तमन्ना भाटिया की तस्वीर आज दिन भर सुर्खियों में रही, जिसे देखने के बाद अब फैंस इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ की फिल्म जोड़ी पर काफी विवाद चला। पहले फिल्म रिलीज हो रही थी, उसके बाद पंजाब कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दिया था, जिसके बाद दिलजीत दोसांझ ने फैंस से माफी भी मांगी थी। लेकिन अब सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं और फिल्म रिलीज भी हो गई है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक पोस्ट शेयर करके फैंस को इस बात की जानकारी दी है कि जोड़ी अब इंडिया में रिलीज हो चुकी है, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं और अब हर कोई फिल्म की टिकट लेकर थिएटर्स जा सकता है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस अपने शूट में काफ़ी बिजी रहती हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ वक्त वो अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिए निकाल ही लेती हैं। अब एक्ट्रेस का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो जमकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में एक्ट्रेस ने एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का क्वाड सेट पहना है और कहना पड़ेगा कि एक्ट्रेस सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करने में सबसे आगे हैं। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे के सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।